आने वाले 36 घंटों में झारखंड के कई जिलों में मौसम में बड़ा बदलाव देखा जाएगा। कई क्षेत्रों में हल्की ओलावृष्टि होगी तो वही कई जगहों पर तेज आंधी के साथ पानी की भी संभावना मौसम विभाग ने जारी किया है। बता दें कि जिस तरह से मौसम में बदलाव देखा गया और लगातार हल्का बूंदा बूंदी हो रही है, तो वहीं फिर से पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया और बताया गया है कि अगले 36 घंटे तक झारखंड के विभिन्न हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा हजारीबाग चतरा जो पश्चिमी से मध्य इलाका है, वहां पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। ओलावृष्टि होने से किसानों को नुकसान होगा। इसके अलावा बात करें तो मौसम विभाग ने लोगों से अपील किया है कि किसी तरह के पेड़ पौधे के नीचे खड़े ना हो और किसी खंभे के पास में जाकर जब बारिश हो रही तो खड़े ना हो। आप भी सुनिए और क्या कुछ कहा मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने। पूर्वानुमान में ये जो घटनाएं हो रही हैं, मौसमी घटनाएं, ये अपेक्षित थी और 1 तारीख तक इसका असर थोड़ा सा देखने को मिलेगा। 2 तारीख से मौसम शुष्क ड्राई हो जाएगा और गर्मी भी बढ़ेगी। तो 31 तारीख में जो आज का दिन है उसमें आपको झारखंड में, पूरे झारखंड में इसका असर देखने को मिलेगा। एक तो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में गर्जन वज्रपात के साथ में हल्की बारिश, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और साथ साथ में जब थंडरस्टॉर्म खत्म हो रहा होगा तो जो सतही हवा है, सरफेस विंड्स हैं, वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी तेज चल सकती हैं। तो तेज़ हवाओं का भी जोर रहेगा और कुछ इलाकों में आपको जो बात करें तो खासकर जो पश्चिमी से जो मध्य इलाकों में है और साथ साथ में जो चतरा हजारीबाग इलाके हैं, इन इलाकों में भी आपको एक कुछ जगह पे ओलावृष्टि भी, हेल स्टॉर्म भी देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों से हैं कि वो लोग थोड़ा सा सचेत रहें और अपना जो प्लानिंग है उस हिसाब से उसको कर सकते हैं। और कल में जो इंटेंसिटी है वो घट जाएगा और आपको जो दक्षिणी भाग हैं, मध्य भाग हैं, उनसे सटे हुए उत्तर पूर्वी भाग हैं, वहीं थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में हल्की बारिश है कल भी। और जो बात करें तो जो मेन चेतावनी है आज की है, कल में भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की थोड़ी चेतावनी है और 2 तारीख से मौसम साफ रहेगा। बात है उस समय जब बादल बन रहे हैं ठंडर वाले, जब आपको गर्जन सुनाई दे रही है, एकदम आसमान काला हो गया है, तो उस समय जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो घर से ना निकलें, अगर निकलना ज़रूरी हो तो आप पेड़ के नीचे, पोल के नीचे ना रहें। और अगर घर में हैं तो आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट है उसको बंद रख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप चेतावनी को थोड़ा सा सीरियसली लें। और साथ में 2 ऐप हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक है दामिनी है जो लाइटनिंग से, वज्रपात से रियल टाइम आपको सूचना देती है, जिसको पाकर आप अलर्ट हो सकते हैं, सचेत हो सकते हैं। साथ में एक और बहुत इम्पोर्टेंट ऐप है, लोकेशन स्पेसिफिक ऐप है, जिसका नाम है सचेत। ये दोनों गूगल प्ले स्टोर में। सचेत में आपको हर टाइप की मौसमी घटनाएं की जानकारी मिल सकती है और उससे जो अलर्ट है उसको आप, लोकेशन स्पेसिफिक है, जिस इलाके में होने वाली है वहीं वो अलर्ट मिलता है, तो उसको पाके आप सुरक्षित हो सकते हैं, सचेत रह सकते हैं। तो आने वाला 2 दिन झारखंड के मौसम में बदलाव रहेगा, लेकिन जैसे ही 2 अप्रैल होगा थोड़ी गर्मी बढ़ना झारखंड में शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने लोगों से अपील किया कि जो वज्रपात होती है उससे बचने के लिए सचेत ऐप और एक ऐप का जो उन्होंने नाम बताया वह प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, तो उससे पूर्ण अनुमान कब कहां पे क्या होगा, इससे लोगों को सटीक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। तो फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट भी लोगों से अपील करता है कि जब बारिश होगी तो बारिश के समय किसी पेड़ के नीचे या खंभे के नीचे आप खड़े ना हो, उससे कोई घटना घट सकती है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।